ये देखो आज बरसात में हम लोग घूमने के लिए आए हुए हैं और फाइनली बरसात भी मिल गई है हमें। और कितना बढ़िया कोहरा लगा हुआ है। ये राजपुर रुकी एरिया में हम लोग अभी यहाँ। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? तो ये आज का हमारा नया ब्लॉग है, जैसे कि हम लोगों ने प्रॉमिस किया था नई लोकेशन पे। तो नई लोकेशन पे तो हम लोग आए थे और यहाँ भी हमारे साथ पोपट हो गया है। देखो आप लोग देख सकते हो कितनी भयंकर बारिश हो रही है और हम लोग कहीं पर फंस चुके हैं। तो हम लोग गाड़ी रोक के ना बैठे हुए हैं अभी। हम लोगों ने जाना था शिखर फॉल, हम लोग शिखर फॉल का प्लान था आज का, लेकिन हम लोग फंस चुके हैं और बारिश बहुत तेज़ हो रही है और ये है पहाड़ी एरिया। और तो हम लोगों ने बोला कि यार ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हैं, क्योंकि बरसात में ज़्यादा रिस्क लेना आप लोगों को पता है ठीक नहीं है। हमारे साथ साथ आप लोग भी रिस्क ना लें। तो जैसे कि मेरी सिस्टर बोल रही है कि कौन कौन आ रखे हैं, मैं बता दूँ। तो हम लोग आए हुए, देखो आप तो जानते ही होंगे मेरे जीजा जी को। हेलो। तो ये मेरे जीजा जी है, ये मेरा भांजा है छोटा सा मिरांस है, और ये पीछे जो बैठी हुई है ये देखो मेरी सिस्टर है, और ये खुशबू है। खुशबू तो सब लोग जानते ही है। तो हम लोग सब लोग आए हुए थे, आज प्लान बना हुआ था अच्छे लोकेशन पे घूमेंगे। एक बार शिखर फॉल जस्ट एक बार दिखा देंगे ना तो आप लोग भी लगेंगे हाँ यार हम लोग आए हुए थे, ये तो ऐसा लगेगा कार के अंदर से ही वीडियो बना रहे हैं। तो यार आए तो हम लोग थे शिखर फॉल घूमने के लिए, लेकिन यहाँ पर लोग मना कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि अभी मत जाओ, पत्थर आ रहे होंगे बहुत सारे। और आप लोग भी पता है कि ऐसे टाइम पे यहाँ पर जाना नहीं चाहिए, मतलब किसी भी फॉल जो पड़ता है उसमें नहीं जाना चाहिए। तो हम लोग भी अभी मैं सोच रहा हूँ कि यार स्किप कर लें, क्योंकि हमारे साथ देखो छोटा बच्चा भी है तो रिस्क लेना ठीक नहीं है। और इतने भी वो नहीं है, हम लोग जुनूनी नहीं है कि यार कि शिखर फॉल में जाके ना अपने रिस्क लें करके ना, तो वो चीज़ें ठीक नहीं है। तो हम लोग बारिश में अभी रुके हुए हैं, देखो बारिश फिर भी हो रही है अभी। और ये देखो रेनकोट पहन के आए हुए हैं लोग। ये देखो खुशबू को अपनी फूल की पड़ी हुई है कि फूल लेना है यहाँ से, कि कल सोमवार है और इन्होंने फूल चढ़ाना है शंकर भगवान को, भोलेनाथ को। तो ये देखो यार मौसम तो क्या बात है, क्या जबरदस्त हो रहा है। ओ भाई ये देखो जबरदस्त एकदम। बट देखो भाई हम लोग शिखर फॉल तो पहुंच नहीं पाए, कोशिश बहुत की थी हम लोगों ने, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत यहाँ पर कुछ फॉल तो निकल रहे हैं। मैं आप लोगों को उसका वीडियो ज़रूर दिखाऊंगा। और ये देखो एंजॉय फुल कर रही है, हल्की हल्की बारिश हो रही है अभी भी। खुशबू को देखो जलपरी बनी हुई है एकदम, मज़ा आ रहा है फिर। तो अभी हम लोग आगे का वीडियो आप लोगों को दिखाएंगे। और देखो यार सच में बताऊँ भाई साहब, जो यहाँ मौसम हो रखा है ना बहुत ज़बरदस्त हो रखा, बहुत ही ज़बरदस्त। और बरसात में घूमने का यही फ़ायदा है कि आप लोगों को बहुत मज़ा आता है, और बरसात तो सबको पसंद होती है। तो मुझे यहाँ पर काफ़ी लोग आए हुए हैं, ये देखो काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए हैं ऑलरेडी। और मैंने ये फूल तोड़ा है, इसका नाम मुझे नहीं पता, बताना आप लोग, मैं भूल गई हूँ एक्चुअली। ये वाले फूल ये भोलेनाथ तो चढ़ते हैं सावन के टाइम में, मैंने तोड़ भी लिया। हाँ तो आपको पता ही सावन का टाइम चल रहा है, और आप अगर आप लोगों को पता है कि ये फूल कौन सा है तो नाम बताइएगा, नाम जरूर बताइएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में। हमको आप लोग नाम बता सकते हैं। हेलो गाइस बोलो, हेलो गाइस, हेलो बच्चों, हेलो गाइस थोड़ी ना बोल पाइए बंदा, हेलो बच्चों। आज रास्ता है 15 मिनट का रास्ता है, बता रहे थे हम लोगों को यहाँ से ये शिखर फॉल जाता है। तो जैसे कि आप लोग देख ले इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं, ये देखिए ये कुछ कोहरे से ढके हुए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि थोड़ा रिस्की हो सकता है, इस वजह से हम लोग, ये बच्चा भी है हमारे साथ, इस वजह से हम लोग नहीं जा रहे हैं। तो ये देखो यहाँ पर छोटा सा रेस्टोरेंट है एक, अगर आना हो तो बेस्ट टाइम जो यहाँ का रहता है वो रहता है आपका मार्च से अक्टूबर तक का, और बीच में अगर आप जुलाई और अगस्त को स्किप कर लें तो वो बेटर है। बाकी व्यू आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, बहुत अच्छा व्यू है और यहाँ आने में आपको काफ़ी मज़ा आएगा, इसकी गारंटी है। तो शिखर फॉल से बहते हुए आ रही है नदी, ये वही जगह है जहाँ हम लोग जा रहे थे। मैं थोड़ा थोड़ा आगे जा रहा हूँ, बट मैं पूरा आगे जाऊँगा नहीं क्योंकि आपको पता ही है। तो इस वजह से मैं थोड़ा थोड़ा जितना मैं जा सकता हूँ तो मैं जा रहा हूँ, और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। नदी काफ़ी आई हुई है, ऊपर बरसात भी हो रही होगी क्योंकि नीचे भी ऑलरेडी हो रही है बारिश। किलोमीटर एक किलोमीटर चलना है। ओ भाई साहब
हाँ, तो वहाँ पर अभी कुछ ऐसा तो नहीं कि प्रॉब्लम हो रही हो कुछ? आप वहीं से आ रहे हो अभी? चलो ठीक है। तो भैया बता रहे थे कि ऐसी प्रॉब्लम तो कुछ है नहीं, लेकिन हमारे साथ छोटा बच्चा है, इस वजह से हम लोग जा नहीं रहे हैं। मेरा भांजा है मेरे साथ। तो ये देखो, फिर भी आप लोग सिगर फॉल में जो नदी बहती है वो यही है। ये देखो भाई, बड़ी भयंकर है, बारिश में बड़ी भयंकर आई हुई है। जैसे कि भैया बता रहे थे 1 किलोमीटर चलना है, तो यार 1 किलोमीटर तो नहीं हो पाएगा पॉसिबल। तो अगर सच बताऊँ ना, तो मुझे तो इतना मन है ना जाने का, क्योंकि मेरा एक दोस्त गया हुआ था यहाँ पर, तो उसने काफ़ी बढ़िया पिक डाली हुई थी, तो मेरा मन तो बहुत है जाने का, लेकिन मेरे जीजाजी मानेंगे नहीं। तो फिर भी मैं मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या पता वो अगर मान जाते हैं तो हम लोग आगे चले जाएंगे। तो बच्चे जा रहे हैं ऑलरेडी, और बारिश रुक चुकी है, अभी देख सकते हैं आप लोग। तो हम लोगों को लगा था हम शिखर फॉल जाएंगे, लेकिन हम शिखर फॉल तो जा नहीं पाए। हम छोटा सा शिखर फॉल दिखाते हैं हम लोगों को, ये देखे सामने पोपट हो गया, क्योंकि हम बारिश बहुत तेज है, और एक्चुअली मैं बहुत भीग गई हूँ। तो मैं आपको सामने से दिखाती हूँ कैसा लगता है यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि लोग पार्टी करने के लिए आ रहे हैं, यहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ, अपने छोटे छोटे बच्चे को लेके आ रहे हैं। लेकिन हम लोग नहीं जाते कि हम रिस्क लें ऐसा, क्योंकि पत्थर गिर रहे हैं बोल रहे थे सामने से, तो हम लोग नहीं गए। तो हम आपको वीडियो में दिखाते हैं आगे बाकी कैसा ये जगह है, क्योंकि हम लोग काफ़ी देर रुके यहाँ पे, बारिश रुकी नहीं, तो हम लोगों ने बोला कि चलो कहीं और चलते हैं। तो मैं आपको वीडियो में दिखाती हूँ आगे, देखते रहिए। देखो कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं यहाँ पे, यहाँ पे सब गाना गा रहे हैं कि मौसम के देखो नज़ारे, तो बहुत ही सुंदर। मतलब इसके अलावा भी बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे आने के लिए, लेकिन हम मेन पॉइंट पे तो हम जा नहीं पाए। शिखर फॉल जहाँ पे मेन जगह है जहाँ पे, हम वहाँ पे नहीं जा पाए, क्योंकि बारिश इतनी हो रही है, देख सकते हैं आप लोग, बारिश हो रही है। रिस्क नहीं ले सकते हम, बच्चा हमारे साथ है तो हम ऐसे रिस्क लेके नहीं जाएंगे, तो हम नॉर्मल जाएंगे। अभी ऐसे ही हम घूमते फिरते देखते कहीं कहाँ जाते हैं। इन लोगों को देखो जरा, इनको देखो, इतनी मस्ती चाहिए ना भाई इनको, कि मज़ा आ रहा है कुछ, क्योंकि बारिश इनकी फेवरेट है, तो मज़ा आना है। तबीयत खराब हो चुकी है, फिर भी कर रहा हूँ। तबीयत खराब होने के बाद भी ये रिएक्शन है, फिर भी हम लोग बारिश से भीग रहे हैं। ये राजा बाबू है, ये राजा के बाबू ये राजा के बाबू है पीछे। हाँ, बाकी वो बिजोदारी बैकग्राउंड म्यूजिक देने वाले हैं। तो अभी हम लोग जाते जाते पहुंच रखे हैं एक भुट्टे शॉप में, भुट्टा खा रहे हैं हम लोग। तो ये पीछे ये लोग भुट्टा खा रहे हैं, और यहाँ काफ़ी सारे बंदर हैं। ये देखो बंदर, परेशान करने के लिए बंदर हर जगह पहुँच जाते हैं। तो अभी हम लोग रुके हुए हैं, तो ये देखो, ये है भुट्टा शॉप, खाते हैं यहाँ पर। और अभी हम लोग लंच नहीं किया हुआ है, 4 बज चुके हैं। अभी हम लोग एक अच्छे रेस्टोरेंट देख रहे हैं कि अच्छा रेस्टोरेंट में लंच करेंगे। मैं आप लोग फिर भी भुट्टा खा रहे हैं, हम लोग तो भुट्टा खाने का एक वीडियो बनाता हूँ। तो ये देखो, भुना हुआ भुट्टा खा रही है, कैसा हो रहा है? मुझे भी एक चाहिए। देखो कितना जबरदस्त, मज़ा आया बहुत। अब बरसात में भुट्टा खाने मज़े कुछ और था। हाँ, वो तो ही है यार। भैया मेरे को ना भुना हुआ चाहिए, ठीक है? तो अब ये लोग भुट्टा खा रहे हैं, हमारा हो गया ना, क्योंकि अब इन लोगों का चल रहा है शुरू। तो अभी हम रुके हुए हैं मैगी पॉइंट में, तो मैगी पॉइंट में अभी हम लोगों ने लंच नहीं किया, 4:30 हो गया, हम लोग लंच नहीं किया अभी। हम लोग थोड़ा थोड़ा चीज़ें खा रहे हैं, स्नैक्स खाते हुए चलते रह रहे हैं आगे को, क्योंकि हम लोग इंजॉय करते हुए जा रहे हैं। तो अभी थोड़ा थोड़ा कुछ खा रहे हैं, तो भूख भी नहीं लग रही है। तो आपको दिखाते हुए हम आए हैं मैगी पॉइंट, अभी जो हमको हमको पहले भी दिखाया हुआ था, और पीछे देखिए आप लोग लंगूर बैठे हुए हैं भैया। बिंजू ने इन लोगों को खाने के लिए दिया था, अभी कौन खा रहे थे लोग,
तो भिंजू बोल रहे थे कि इनको भी कुछ देते हैं हम लोग खाने के लिए। वो खा रहा है, देखो कितना प्यारा लग रहा है। और बाकी अभी हम लोग यहाँ पे, ये लोग फिर, जबकि भुट्टा मेरा फेवरेट है और ये इनको देखो मेरे साथ रह रहे, ये भी खाने लगे हैं। और अभी इनका दूसरा तीसरा भुट्टा चढ़ रहा है मेरे ख्याल से। और वैसे बारिश में तो मज़ा आता ही है, थोड़ा इग्नोर मारिएगा, बारिश में मज़ा आता है भुट्टा खाने में। अभी आपको दिखाती हूँ मैं आगे फ्रंट कैमरे से, हम मैगी पॉइंट आए हुए हैं फिलहाल, अभी आपको दिखाती हूँ। भिंजू यहाँ पे बंदरों को पार्टी करते हुए भिंजू बंदरों की पार्टी करा रहे हैं, उनको कॉर्न्स दे रहे हैं। कुछ कहना चाहेंगे आप? यार लंच टाइम हो रखा है तो क्या खा रहे हैं हम लोग? ये मेरा फेवरेट है, लो लामे दे दो आप बाकी। तो अभी हम लंच की तलाश में निकल रहे हैं, कुछ खाते हैं, देखते हैं क्या हम खाते हैं, क्योंकि 4:30 हो गया है तो सब सोच रहे हैं कि क्या खाएं, शाम भी हो गई है। विराज भूख लगी ना? तो बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। हेलो गाइस, हेलो गाइस बोलो, हेलो गाइस, हेलो मिरांज, हेलो गाइस बोलते हैं। तो अभी हम लोगों को लग गई है बहुत तेज की भूख, फाइनली हमें एक रेस्टोरेंट मिल गया जहाँ पे हम खा सकते हैं कुछ। तो अब आइए, हमारा लंच टाइम हो रहा है, लंच टाइम। तो दाल चावल सलाद चटनी, तो क्या खाएं, सबको चावल खाने का मन हो ही रहा था, तो अब हम चावल खा रहे हैं। इनको देखो नॉन स्टॉप चले हुए हैं।